दिया जाए। तो समीना बहन, अगर ये सब होगा तो मेरी तो दुआ यही है कि अल्लाह हमारे मुल्क को महफूज रखे, क्योंकि देखे जितना दबाओगे उतना फिर वो लावा पड़ता है जी। तो यानी मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर इन्होंने ये हरकतें करी पाबंदी लगाने की या गवर्नर राज लगाने की, तो ये चीजें जो है पाकिस्तान के लिए फायदेमंद नहीं होगी। बात कर लेते हैं जो हाई कोर्ट के जज है मलिक साहब, उन्होंने आज मरियम तक को उन्होंने कहा कि कोर्ट बुला लेते हैं, तो जो वकील थे वो कहेंगे नहीं नहीं सर ये मत करिएगा। किस बात के ऊपर? जो जजों की तायुनति होनी है, जो जज जो आने हैं, क्योंकि मरियम उनपे साइन ही नहीं कर रही है, वो चाह रही है कि किसी तरीके से यहाँ पे सब हमारे जज लग जाए, मगर ऐसा मुमकिन नहीं होगा। आप ये देख लेना, ये मुमकिन नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं होगा जी। तो मैं ये देखे ना, तो मैं तो जमीनी हकायक पे जो तो बस सही है ना। देखिए मैं यही बता रही हूँ ना, देखिए अब आप एक छोटी सी मिसाल आप ले लें, आपके सामने ये कल ये बातें हुई ना शो के अंदर, आपने कहा ना, आपने कहा आपको, बल्कि मैंने नाम नहीं लिया, आपने कहा मैंने ही आना सपोर्ट किया था शेर अफजल मरवत को, मैंने ही कहा था। तो आपने इस पे ये बात की कि जी हमारा बानी जो करेगा हम तो उसको वेलकम करेंगे, हम तो उसको यस करेंगे। तो अब आपने कहा कि हमारे बानी ने रखा, हमने वेलकम किया, मगर सैयद साहब को देख ले, उन्होंने आके पहले भी आवाज उठाई थी कि सबसे बड़ी गलती थी कि शेर अफजल मरवत को रखने की पीटीआई की, और जब हटाया तो उन्होंने आके ये कहा कि देखें ये बहुत बेहतरीन काम किया, उन्होंने कहा अब गौहर को सबसे पहले हटाएं, पीटीआई आपके प्लेटफॉर्म से ये आवाज जा रही है। तो मैं ये अपना मैसेज देना चाहता हूं उन लोगों को कि सबसे बड़ी गलती होगी अगर उसको रखा उन्होंने गौहर को, तो देख लेंगे आवाज आपकी गई ना, पहुंची ना। तो ये मैं आपको सिर्फ बताना चाह रही हूँ, ठीक है? आप अपना मैसेज दे, एक दूसरे पे ना गाली गलोच ना करें, एक दूसरे पे ना जाएं, आपने अपनी बात करनी है। आपको यार मैंने कल जो आपसे एक बात कही थी वो बात अच्छा हुआ आपने इसका अफजल मरवत का आपने नाम ले दिया जी। कल मैंने आपसे कहा कि आपने मैंने कहा कि आज ही मैंने ही कहा था, आपने खुद ही तस्लीम किया, जबकि सैयद साहब चाहते हैं तो उनको याद ही होगा, हर कॉलर को याद होता है कौन कॉलर क्या बात कर रहा है, मगर आप देखेंगे उन्होंने आपका नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा कुछ चाहने वाले पीटीआई के, उन्होंने बड़ा शोर मचाया मेरे इस बयान पर और लोगों ने बड़ा सब कहा। नहीं मगर मैं बता रही हूँ कि देखिए आपने खुद ही आके बढ़ चढ़ के कह दिया, आपको हमेशा कहते हैं जज्बाती पीटीआई, जरा चुप हो जाओ। मैं देखिए जज्बाती पीटीआई की बात नहीं कर रहा हूँ, जो चीज पाकिस्तान या हक में होगी मैं उसकी बात करूंगा। अगर आपको याद हो शेर, यही शेर अफजल मरवत इमरान खान का झूठा पानी लेकर आए थे और वो लोगों को पिला रहे थे, और मैंने ही आपके इस प्रोग्राम में कहा था उन्होंने ये बहुत गलत हरकत करी है। हाँ ये कहा था, ये आपने कहा था, ये कहा था आपने गलत हरकत करी जी। जी याद है आपने, मैंने जो बात गलत है मैं उसको कहूंगा गलत है, मगर इतना नहीं कहूंगा कि मैं शहीद है, लोग शहीद हो गए, 40-45 लोग शहीद हो गए, मैं कहूँ शहीद नहीं हुए। ये तो समीना बहन आप उनके, वही मैंने आपसे कहा ना, आपको एक बच्चे की, मैंने आपको एक आदमी की मिसाल दी कि उसकी, तो आप देखें आप ये कह सकते ना, ये देखें 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 देखें, एक बात सुने बात सुने साजिद भाई, एक बात सुने, देखें मैं ये कहती हूँ कि आप ये कह सकते हैं ठीक है जैदी भाई कह रहे नहीं हुए उनके इल्म में है कि नहीं हुए, इससे चौधरी साहब के इल्म में हुए, तो आप ये कह सकते हैं, आप ये ना कहें कॉलर में ना जाएं, आप ये कहें देखें सैयद साहब आते हैं, आप चाहे कुछ भी कह रहे होते हैं, मैं आप बार बार उनका नाम ले रही हूँ, आप सोचेंगे बार बार पता नहीं क्यों ले रही है नाम, आप लोग हमेशा कहते हैं मैं उनकी बात गौर से सुन रही होती हूँ और मैं उनकी बात को, मैंने ये देखा है कभी भी आप लोग उन पर चढ़ाई करते हैं, वो कहते हैं देखें मैं आप लोगों को 4 कॉलर को सुनाने नहीं आया, 5-10 कॉलर को सुनाने नहीं आया, मैं उन लाखों लोगों को मैसेज पहुंचाना चाहता हूं जो इसको देख रहे हैं और सुन रहे हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मेरा अपनी राय है, मेरा अपना तजिया है। तो आप वो कभी भी इतराज नहीं करते कि भाई इस शख्स ने क्यों बोला, वो आप पे भी इतराज नहीं करते, आप कुछ भी बोलते हैं कुछ भी बात करते हैं, उन्होंने आज तक आप बता दें मुझे किसी शो में, आपको भी इतने साल हो गए, कभी उन्होंने कहा साजिद ने ये बात गलत की, उन्होंने कभी कहा? मुझे बता दें, हाँ। मैं भी आपके शो में 5 साल से आ रहा हूँ, हाँ। अभी मैंने कहा कि ये मरियम नवाज जो है वो वजीर आला क्यों लग गई, शहबाज शरीफ जो है वो वजीर आला क्यों लग गई, आप ये कह सकते हैं कि वजीर आला क्यों लग गई, आप उनको कह सकते हैं, आपका राइट बनता है, मगर आप कॉलर को नहीं कह सकते, सिर्फ आप कॉलर, मेरा मतलब कहने का ये है कि आप